राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट पार्क के बीच बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आपने हमसे वादा किया था कि वो एक इंच भी रोड नहीं बनेगी तो वहां 7 मीटर ब्रिज कैसे बन गया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नाम पर फिर बयानबाजी तेज हो गई। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, पार्टी के अध्यक्ष पद पर कोई युवा चेहरा ही ठीक होगा। आनंदीबेन पटेल बनी यूपी की 25वीं राज्यपाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में सीएम योगी और पूर्व राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। स्पीकर रमा देवी पर विवादित टिप्पणी के मामले पर सपा सांसद आजम खान ने लोकसभा में मांगी माफी। कहा, रमा देवी मेरी बहन की तरह। इटावा में शिवपाल यादव ने आजम खान का बचाव किया। आजम भाई बड़े नेता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। महिलाओं पर टिप्पणी का अधिकार किसी को नहीं। आज दुनिया भर में ग्लोबल टाइगर डे मनाया जा रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने देश में हुए टाइगर एस्टिमेशन के आंकड़े जारी कर दिए। एनटीसीए के आंकड़े के मुताबिक रामनगर के कॉर्बेट में 2006 की तुलना में 2018 में टाइगर की संख्या बढ़कर 442 हो गई है। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ हुए रायबरेली हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो घटना की तुरंत बाद का है। घटना के वक्त इलाके में हो रही थी बारिश। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर ने एक्सीडेंट करवाया। विधायक हमें रोज कचहरी में हत्या की धमकी देता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, जब लड़की ने बयान नहीं बदले तो यह हादसा हो गया। गोड्डा में जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर इकट्ठा होकर गोड्डा लखनऊ राजमार्ग पर जाम लगा दिया। गाजियाबाद में उस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जब उनको पता चला कि भगवान गणेश की मूर्ति दूध पी रही है। इसका वीडियो भी लोग बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी सुधीर कुमार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की रनिया चौकी के पास बाइक और टैंकर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। श्रावस्ती के सिरसिया की ग्राम पंचायत पचकौली में बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया। अब तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश सचिन घायल हो गया जबकि बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया। गाजीपुर में मनरेगा में खराब परफॉर्मेंस को लेकर बीडीओ और एपीओ के खिलाफ सीडीओ ने बड़ी कार्रवाई की। सीडीओ हरिकेश चौरसिया ने मनरेगा के कार्यों में जीरो परफॉर्मेंस देने वाली ब्लॉकों के 14 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिर्जापुर के शहर कोतवाली के कजर हवा पोखरा पुलिस ने
बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, गिरोह का सरगना फरार है। अमरोहा के डिटोली कोतवाली इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने कई घंटे में आग पर काबू पाया। ललितपुर में स्वाट टीम और पुलिस टीम ने 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 40 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 सूटकेसों में छिपाकर ले जाया जा रहा गांजा। मैनपुरी से सऊदी अरब में नौकरी करने का युवा का आनंद कुमार समेत यूपी के 7 भारतीय सऊदी में फंस गए हैं। भारतीयों को 4 महीने की नौकरी करने के बाद नौकरी का कोई पैसा नहीं दिया गया। पैसे मांगने पर बंधक बनाकर पीटा गया, उसके बाद सड़क पर छोड़ दिया गया।